हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। सो टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीटेट सुपरटेट से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आई है वो मैं आपको 2 से 3 मिनट के वीडियोस में टू द पॉइंट हम बात करने वाले हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिलेगी। प्लस आपको पता है कि अभी आने वाले समय में और भी वैकेंसीज आ रही है, तो सीटेट अगर आपका पास नहीं है पेपर टू सोशल साइंस, डेली 6 बजे क्लासेस होती हैं। आज संडे है, आज भी क्लासेस हैं। प्लस आप मेरा खुद का सोशल साइंस का नोट्स ले सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, नंबर स्क्रीन पे है। देखिए, सबसे पहले टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है न्यूज़पेपर में निकली हुई है, आपको पता है कि आयोग में जितने भी सदस्यों की जरूरत थी एग्जाम कराने को लेकर, उन सारे सदस्यों की नियुक्ति हो चुकी है। परीक्षा नियंत्रक बाकी थे, अब उनकी भी नियुक्ति हो चुकी है। अब इनका जो अगला स्टेप है वो एग्जाम्स कराना है। बट बहुत सारी बीच में चीजें आ रही हैं, क्योंकि इसके पहले पुलिस वाला एग्जाम आरओ ये पेपर लीक हुआ, उसके बाद से सरकार ने काफी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जारी की है कि आप निजी स्कूल जो प्राइवेट वगैरह हैं उनको सेंटर नहीं बना सकते हैं। 5 लाख से संख्या अधिक होगी तो आपको मल्टीपल शिफ्ट कराने होंगे, एक पाली में आप परीक्षा नहीं करा सकते हो, हर क्लासेस में जो है कैमरे वगैरह होना चाहिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखकर आयोग के पास भी बहुत बड़ी चुनौती है कि इस परीक्षा को कराना। प्लस आपको बताइए कि इस वजह से भी जो पहले होने वाला था यूपीपीसीएस दिसंबर में, वो भी अब अगले साल जा चुका है। अच्छा, टीजीटी पीजीटी इन सब चीजों में इसलिए डिले हो रहा है, जैसा कि इंफॉर्मेशन आ रही है कि आयोग जो है इसके लिए ये परीक्षा कराना एक पहला अनुभव होगा और काफी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि 13 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा है टीजीटी पीजीटी में। 4000 स्टूडेंट्स, सोचिए 4000 पद हैं बट फॉर्म की संख्या 13 लाख है। तो ये परीक्षा कराना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। और इनका ये भी कहना है कि हम एग्जाम की डेट घोषित करने से पहले सारी व्यवस्थाएं निर्धारित कर लेंगे, तभी जाकर हम एग्जाम कैलेंडर मतलब एग्जाम की डेट अनाउंस करेंगे। तो मे बी इस वजह से भी एग्जाम की डेट डिले हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि पेपर को ढंग से कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये लीक वगैरह वाली चीजें नहीं आनी चाहिए, और इस वजह से ये लोग अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। प्लस क्वेश्चंस पेपर को लेकर भी, कि क्वेश्चंस पेपर को भी बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि इसके पहले किस तरीके से सोशल मीडिया पे क्वेश्चंस पेपर बहुत जल्दी वायरल हो जाते हैं। तो इस वजह से आयोग का कहना है कि पहले हमारी एक बार तैयारी पूरी हो जाए, फिर जाकर हम एग्जाम की डेट अनाउंस करेंगे। देखिए, ये परीक्षा होना कन्फर्म है, बट इनकी जो भी चीजें हैं, क्योंकि ये पहली बार ही कराने जा रहे हैं, जब ये फुलफिल हो जाएंगी तभी जाकर आपके सामने एग्जाम की डेट आएगी। दूसरी बात कर लेते हैं सुपर टेट। देखो, सुपर टेट की तैयारी जो लोग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, मैंने आपको किताबें भी बताई हुई हैं, आप किताब भी ले सकते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगी, अगर आप यूपी सुपरटेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं और उसके लिए कोई अच्छी जो है किताब ढूंढ रहे हैं जिसमें आपको थ्योरीज एमसीक्यूज 5000 प्लस इसमें एमसीक्यूज हैं, 2 सॉल्व पेपर्स मिलेगा, तो आप चचु प्रकाशन की ये किताब ले सकते हो। इसमें बहुत ही बेस्ट मटेरियल दिया हुआ है, बाकी सारी डिटेल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। इसमें इन्होंने एनालिसिस चार्ट भी दिया हुआ है, यहां पर ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ये देखिए किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, बाकी इन्होंने इंडेक्स भी डिटेल में बनाई हुई है, जैसा कि आपके 2018-2019 का, ये करंट अफेयर, जीके, मैथ्स, सीडीपी, सारी चीजें आपको इस किताब में मिलेंगी। ठीक है, अब मैं इनका आपको क्वेश्चन पेपर दिखाती हूं। ये देखिए 2019 का क्वेश्चन पेपर है और इसमें इन्होंने डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन पेपर एंड थ्योरी सारी चीजें मिलेंगी। अगर मैं इनके एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो यहां पर देखिए ये इनका पूरा एक्सप्लेनेशन है। सो थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप अपनी तैयारी और भी स्ट्रांग करना चाहते हैं तो आप चचू प्रकाशन की ये प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जहां से आप अपना स्कोर जो है एनालिसिस करेंगे और इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। बट फिर भी मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगी कि सुपर टेट इतना जल्दी तो नहीं आने वाला है, और स्टेटमेंट इतने सारे हैं, जैसा कि आयोग के द्वारा स्टेटमेंट था, हमने 11 सितंबर को ही भेज दिया था जो भी इन्फॉर्मेशन यहां से भेजनी थी बेसिक विभाग में। उसके बाद योगी जी ने कहा कि बेसिक विभाग में जो आयोग का नया गठन हुआ है उसमें हजारों भर्तियां होने वाली हैं। ठीक है, अब वो हजारों नई भर्ती की बात कर रहे थे कि वो टीजीटी पीजीटी की, ये किसी को नहीं पता है। प्लस उन्होंने प्राथमिक की भी बात की थी। वहीं पर कल आपने देखा होगा संदीप सिंह जी जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं, उनका जब से बयान आया है स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो चुके हैं। वो उन्होंने बोला कि हम जो है समायोजन कर रहे हैं और समायोजन की वजह से हमारा जो स्कूल है प्राथमिक का, उसमें टीचर्स की कमी नहीं है। जहां पर टीचर्स ज्यादा हैं हम उनका ट्रांसफर करके दूसरी जगह भी भेज रहे हैं, और इस तरीके से ये लोग पूरा समायोजन भी कर रहे हैं। आपने सुना होगा उनकी वीडियोस, उन्होंने बोला कि अभी हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है। अनुपात समानुपात की बात उन्होंने दोबारा से कि वो बराबर है। तो अब समझ में नहीं आ रहा है संदीप सिंह जी का जो बयान है, योगी जी का जो बयान है, आयोग का जो बयान है, उसमें से किसके बयान को सच माना जाए। फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि चुनाव के आसपास तो आपको शिक्षक भर्ती देखने को जरूर मिलेगी, यूपी टेट भी आने वाला है। ठीक है,
बट मेन है जो सुपर टेट, उसको लेकर काफी चीजें चल रही हैं और इस वजह से भी काफी लोग कंफ्यूज हैं। तो आप बेसिक चीजों पे ध्यान रखिए, अपना बीपीएससी का पढ़िए, अपना केवीएस का, अपना D++B का, क्योंकि ये एग्जाम कंफर्म है। ठीक है, चलिए मिलते हैं शाम को 6 बजे। बाकी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर, जितने लोगों ने पहले फॉर्म भरा है, आप लोगों का एग्जाम एकदम कंफर्म है। ये एग्जाम हर हाल में होना है, आयोग भी इसी के बारे में सोच रहा है। आयोग सुपर टेट के बारे में, सुपर टेट की कोई प्लानिंग नहीं हो रही है आयोग के द्वारा भी। आयोग भी टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर के ही एग्जाम की प्लानिंग में लगा हुआ है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। शाम को सोशल साइंस की क्लास है। बाकी जो भी डाउट्स होंगे कमेंट सेक्शन बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।